हाय दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल टेक फैंटेसी में। आज के इस वीडियो में दोस्तों मैं आपको बताऊंगा ये है इस मोबाइल के बारे में, इस मोबाइल में क्या है प्रॉब्लम। ये लेनोवो का ये 6600 मोबाइल है, ठीक है। शायद आपको ठीक से नज़र अब नज़र आ रहा होगा, लेनोवो का ये 6600 है दोस्तों। इसमें दोनों सिम कार्ड है, ठीक है, जियो है और एयरटेल है। इसमें एयरटेल से कॉल्स करते हैं तो जाता है और एयरटेल को इनकमिंग कॉल्स आती है, आउटगोइंग कॉल्स भी जाती है, लेकिन जियो में जो है आपको आउटगोइंग कॉल नहीं जाता है ना ही इनकमिंग कॉल आता है। इनकमिंग कॉल कोई करता है आगे से तो उनको जो है स्विच ऑफ बोल के आता है। ये बहुत सारे मोबाइल्स में आता है, किस वजह से आता है ये आज मैं आपको बताऊँगा और इसको किस तरह से ठीक करते हैं वो भी हम इस वीडियो में जानेंगे दोस्तों। तो सबसे पहले मैं मोबाइल को ऑन कर लेता हूँ। इसका बटन शायद हार्ड है, बहुत ही हार्ड है पावर बटन, तो इसको ऑन कर लेते हैं। ठीक है, तो दोस्तों ये अक्सर क्यों होता है, जियो में ही होता है सिर्फ, क्योंकि जियो तो देखिए क्वालिटी मोबाइल को ही सपोर्ट करता है। या फिर अगर ओल्ड मोबाइल्स में भी क्या है दोस्तों, कभी कभार इस तरह के प्रॉब्लम आ जाता है क्योंकि इसको कॉन्फ़िगर करना पड़ता है दोस्तों। जियो का नया अपडेट जब से आया है, जियो अपडेट्स भेजता रहता है उसके ऐप में, तो उसकी वजह से जो है इसको हमें कॉन्फ़िगर पड़ता है, पकड़ना पड़ता है अपने जियो सिम को कि इसमें जो है जियो सिम डला हुआ है और उसको ये फ़ोन रिकॉग्नाइज कर ले, इसीलिए इसको कॉन्फ़िगर करना पड़ता है। ठीक है, उसको किस तरह से करते हैं मैं आपको बताता हूँ दोस्तों। तो मोबाइल जो है ऑन हो चुका है यहाँ पे, तो देखिए दोनों नेटवर्क्स अभी नहीं आए हैं। तो ये देखिए दोस्तों दोनों नेटवर्क जो है यहाँ आ गए हैं, तो अभी मैं आपको कॉल भी करके बता देता हूँ कि किस मोबाइल से कॉल आ रहा है या नहीं है। ठीक है जी, तो अभी देखिए 1299 जियो का नंबर है। तो जियो से कॉलिंग जाएगा नहीं, ठीक है, और ना ही जियो को कॉल आ रहा है। अगर मैं एयरटेल से करता हूँ, इसमें पहले सेटिंग चेंज कर लेते हैं, इसमें सिंगल सिम का ही सेटिंग रखा हुआ है, तो सिंगल सिम को जाए, ओके हो गया। अभी कॉल्स करके देखते हैं दोस्तों। तो पहले जियो सिम से मैं कॉल करता हूँ 198 कस्टमर केयर को, जियो सिम फर्स्ट में है तो देखिए इसी तरह होता है, लेकिन कॉल जो है इसका जाता नहीं है, कॉल लगता नहीं है किसी को भी, ना ही इनकमिंग कॉल आता है। अगर मैं यही नंबर को एयरटेल से करता हूँ तो देखिए कॉल जाएगा एयरटेल। तो देखा दोस्तों तुरंत ही इसमें कॉल जा रहा है, ठीक है, इसमें इसका मतलब कि मोबाइल में कोई प्रॉब्लम नहीं है, प्रॉब्लम है तो जियो सिम से। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ता है दोस्तों, पहले हम इसमें नेट चालू करेंगे, एयरटेल में इंटरनेट है तो इंटरनेट को जो है हम यूज़ करेंगे, यहाँ से मोबाइल डेटा को ऑन करेंगे एयरटेल से। तो ये 4G मोबाइल ही है दोस्तों, लेकिन इसमें क्या है कि वोल्टी ऑप्शन नहीं होता है, ये ओल्ड मॉडल का मोबाइल है तो इसमें वोल्ट ऑप्शन नहीं है। इसमें जियो 4G वॉइस ऐप ही चलेगा और सबसे पहले तो इसमें हमें जियो सिम को कॉन्फ़िगर करना पड़ेगा। इसके लिए हमें प्ले स्टोर नेटवर्क जो मैंने अभी एयरटेल में चेंज किया इंटरनेट, तो इसके लिए नेटवर्क चला गया, अभी नेटवर्क आ जाएगा। तो आ गया यहाँ पर, तो इसके लिए हमें क्या करना है दोस्तों, जियो 4G वॉइस ऐप को डाउनलोड कर लेना है।
तो दोस्तों यहाँ पे हमें जियो 4G वॉइस अप, देखिए जियो 4G वॉइस, इसको सर्च करना है और ये आएगा जियो कॉल, इसको इंस्टॉल करना है दोस्तों। ठीक है, ये बेसिकली वोल्टी फोन में होता है इस तरीके का प्रॉब्लम। अगर सॉरी वोल्टी जिसमें ऑप्शन नहीं है, सॉरी वोल्टी ऑप्शन जिसमें नहीं है उस फोन में होता है 99%, और 1% चांसेस है कि आपके वोल्टी फोन है फिर भी इस तरह का प्रॉब्लम आ सकता है। तब भी आपको क्या करना है, जियो 4G वॉइस ऐप पे जाना है, इसको डाउनलोड करना है और उसके बाद इस सिम को कॉन्फ़िगर करना पड़ता है। इधर कॉन्फ़िगर करने के बाद आपके मोबाइल में जो है जियो सिम डला हुआ है वो कनेक्ट हो जाता है जियो के सर्वर से, तब से वो शुरू कर काम करना शुरू करेगा। ठीक है, तो देखते हैं, तो ये जब तक इंस्टॉल नहीं होता है थोड़ा टाइम लगेगा इंस्टॉल होने में, शायद इसका नेटवर्क थोड़ा स्लो है। तो दोस्तों जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं मैंने जियो 4G वॉइस कॉल ऐप को इंस्टॉल कर लिया है, इंस्टॉल हो चुका है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे इसका जो, चलिए इसके देखिए ऐप ओपन हो गया, नेक्स्ट पे क्लिक करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट पे क्लिक करें, इसको अलो करना है हमें, एलो पे क्लिक करना है, जितने भी आएंगे सारे ऑप्शंस को एलो कर देना है। उसके बाद ये जो है अपने जियो सिम, आपने जियो सिम जो है अपने मोबाइल में डाल के रखा है या नहीं वो सर्च करेगा, इसको कॉन्फ़िगर करना है। ठीक है दोस्तों, तो रजिस्टरिंग विद जियो सिम, तो देखिए ये कुछ टाइम लेगा। तो दोस्तों जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं मैंने जियो 4G वॉइस ऐप इंस्टॉल कर लिया है, और इसको ओपन करने के बाद जो है ये नेक्स्ट ऑप्शन पूछेगा, नेक्स्ट ऑप्शन देना है, उसके बाद आपको इसको कॉन्फ़िगर हो जाएगा नेक्स्ट ऑप्शन क्लिक करने के। इसके ऊपर यहाँ पे स्किप नज़र आएगा तो वहाँ पे क्लिक कर दीजिएगा, उसके बाद ये जो है स्किप होने के बाद इस तरह से जियो 4G वॉइस ऐप जो है ओपन हो जाता है। ओपन होने के बाद आप इसे कॉल कर सकते हैं दोस्तों। ठीक, तो मैं अब इसको एक मिनट दिखाना चाहूँगा कि इसमें कॉल होती है या नहीं, लेकिन फ़िलहाल जो है ओके है दोस्तों, मेरे पास मोबाइल है दूसरा तो उससे मैं आपको कॉल करके दिखा देता हूँ इससे। तो अभी आप देख सकते हैं यहाँ कॉल आ रहा है। ठीक है, तो देखिए यहाँ से कॉल जा रहा है दोस्तों, तो इसको कट कर देते, देखिए कट हो गया। तो इसके पहले क्या होता था, यहाँ पे कॉल नहीं आ रहा था, तो मैं आपको कंफर्म भी करवा देता हूँ। आप समझ रहे होंगे कि मैं कोई दूसरे सिम से कॉल कर रहा हूँ, ऐसा नहीं है, सेम सिम है। देखिए यहाँ देखिए जियो और एयरटेल दोनों है, तो मैं जियो को सेलेक्ट करके रखा हूँ। कॉल्स इंडिया जी, देखिए जियो एयरटेल है, मैं जियो को सेलेक्ट कर लिया है, और अब फिर से कॉल करके दिखाऊंगा। जियो 4G वॉइस ऐप से ही जो है यहाँ पे कॉल्स जाएंगे दोस्तों। तो देख सकते हैं आप, तो इनकमिंग कॉल भी आती है या नहीं हम देख लेते हैं। देखिए दोस्तों इनकमिंग कॉल भी यहाँ पे आ रही है। ओके, तो इस तरह से जो है अगर जियो से कॉल्स नहीं जाती है तो इस तरह से हम कॉल करके सॉरी जियो 4G वॉइस ऐप को यूज़ करके इसकी सेटिंग्स चेंज करके कॉन्फ़िगरेशन करके इसमें इनकमिंग और आउटगोइंग कॉल्स जाने की फैसिलिटी कर सकते हैं दोस्तों। तो उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, वीडियो आपको पसंद आया तो लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए। इसी तरह के वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, टेक केयर एंड गुड बाय।